हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो जैसे कि आपको पता है, आपने एक टर्म पढ़ी है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और एनर्जी की वेरियस फॉर्म्स होती हैं। भले ही आपने कन्वर्जन के लिए पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ही सीखी थी, लेकिन यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह से हमको मिलती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी तरीके से हीट की फॉर्म में भी एनर्जी होती है, वर्क, वर्क इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी और वर्क एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। देन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी में आती है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, कन्वर्जन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का इजिली हो सकता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होके हमारे लिए हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो बल्ब्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हो, लाइट एनर्जी में। उसी तरीके से जो फैन होता है आपका, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में, या आप कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी ही है। और उसके अलावा आपके जो इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, और वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी जिसके पीछे हम लोग आज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हम लोग इसी वजह से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि हमारे पास जितने भी अप्लायंसेज हैं, उन अप्लायंसेज की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको लाइट में कन्वर्ट करना है, आपको काइनेटिक में कन्वर्ट करना है, आपको मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है, आपको हीट में कन्वर्ट करना है, तो जिस फॉर्म में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हो, आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। तो आपको पता है कि किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। और आपको पता है, आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ता है, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये वर्क जो करना पड़ता है, वो आपको नहीं करना पड़ता है, ये वर्क जो करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में, यही जो वर्क है, ये किसकी फॉर्म में हमको मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो इट मींस व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू फ्लो अ पर्टिकुलर चार्ज इन अ कंडक्टर और इन एन अप्लायंस। तो किसी भी अप्लायंस में आप किसी पर्टिकुलर चार्ज को कितना चार्ज फ्लो करते हो, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कर लेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने क्या कहा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन का आपने पढ़ा था कि वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन आपने पढ़ा है, पोटेंशियल जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है किस फॉर्म में होती है, आप इसको ई से चाहो तो डिनोट कर सकते हो, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी अप्लायंस में कितनी स्टोर हो रही है, या कोई भी अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे, एक तो वी पे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और दूसरा चार्ज पे कि आप कितना चार्ज फ्लो कर रहे हो। ऑब्वियसली जितना चार्ज फ्लो करोगे उतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कहां से आती है, ये इस चार्ज के फ्लो होने की वजह से आती है, क्योंकि
ये चार्ज जो है इसको फ्लो करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही किसके बराबर होता है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि ये वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो दैट इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब आपको पता है, आपने करंट का भी फॉर्मूला पढ़ा है, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। किसी गिवन टाइम में अगर आप कोई करंट फ्लो करते हो आई, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका चार्ज और टी होता है टाइम और आई क्या होता है करंट। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ये क्यू की जो वैल्यू है यहां पे पुट कीजिए, तो आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेरिवेशन, की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहां से आई। आपने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी अप्लायंस कितना यूज करेगा या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हुई उसमें, दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू चार्ज टू फ्लो द चार्ज थ्रू इट। क्यू आपने चार्ज किया और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी था, तो वर्क कितना करना पड़ता है, वी इंटू क्यू, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, वी इंटू आई इंटू टी। बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ओम्स लॉ यूज कीजिए। अब मान लेते हैं आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, ये आपने पढ़ा ही है, वी इज इक्वल टू आई आर। ये कौन कहता है, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। तो आप क्या कह सकते हो यहां से, आई इज इक्वल टू वी बाय आर भी कह सकते हो। तो यहां पे देखो, अगर मैं वी को रिप्लेस कर दूं तो ई इज इक्वल टू, देखो वी को अगर मैं आई आर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, वी की जगह पे देखिए आई आर लिखता हूं मैं, तो आई आर इंटू आई टी। तो कितना हो जा रहा है यहां से, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो जरूरत नहीं है, करंट दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा, तो उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। और तीसरा, अगर मैं इस फॉर्मूले में देखे V को एज इट इज रहने दूं, E इज इक्वल टू मैं क्या रख लूं, I को रिप्लेस कर लूं, V को एज इट इज रख लूं और I इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, V by R into T हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, E is equal to V square by R into T। तो V square by R into T, ये किसका फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये तीन डिफरेंट फॉर्मूले हैं, E equal to VIT अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर आपके पास वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे, E equal to I square RT। और अगर आपके पास करंट नहीं है तो आप यूज करोगे इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तीनों इजिली डिराइव हो जाते हैं, ओम्स लॉ याद रखिए, और ये चीज याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम द चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो भी होगा आपका उसके थ्रू चार्ज को फ्लो करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क इक्वल टू आपको पता ही है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, एंड डिफरेंट फॉर्मूले हैं, तो अलग अलग रट्टे लगाने की जरूरत नहीं आप लोगों को। आपको सिर्फ क्या करना है, ओम्स लॉ ध्यान रखना है, आई को या वी को रिप्लेस करोगे तो इक्वल टू वी आई टी, तो पहले ही मिला था। वी को रिप्लेस करोगे आई आर से तो नया फॉर्मूला मिल जाएगा, और आई को रिप्लेस करोगे वी बाई आर से तो तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये तीनों सिमिलर फॉर्मूले हैं। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि ये कहां से आए और कहां कहां पे इनको यूज करना है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यहां पे देखिए वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये कर सकते हो, और करंट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलिए अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज पी, पावर का आपको फॉर्मूला पता, व्हाट इज पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का जो रेट होता है, किस रेट से किस स्पीड से आप वर्क को करते हो, दैट इज पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हुआ, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और स्टोर्ड, जो भी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट पर सेकंड में या पर यूनिट टाइम में कितनी फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर से या किसी भी अप्लायंस से, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो दैट इज ध्यान रखना, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रेट वर्क, वर्क कितना है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पावर का फॉर्मूला होगा। तो P इज इक्वल टू क्या कहा मैंने, दैट इज इक्वल टू E बाय टी, और यहां से आप क्या कह सकते हो, P इज इक्वल टू E कितना है, दैट इज वी आई टी अपॉन टी। ये T से देखो T कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर क्या आ गया यहां से, V इंटू आई। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, आप ये भी लिख सकते हो, अगर P इक्वल टू V इंटू आई हो गया तो P इक्वल टू, अगर इस फॉर्मूले में रखोगे या यहीं से कर सकते हो, आई V की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आई आर रख सकते हो। तो V इक्वल टू
अगर आई आर रखोगे तो आई आर इंटू आई, तो पी इक्वल टू, और दूसरा फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तीसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू, यहां देखिए I की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, V बाई आर, तो V इंटू V बाई आर, और आप कह सकते हो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिकल पावर के भी हमारे पास तीन डिफरेंट फॉर्मूले आ गए, कौन कौन सा, P इक्वल टू V आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, पावर जैसे आप रेट ऑफ डूइंग वर्क वहां पे पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड में कितना वर्क करते हैं, तो दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क डन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर। तो मैंने यहां पे यही बोला कि दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखिए ये तीन फॉर्मूले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मिल गए, वन टू थ्री एंड, ये तीन फॉर्मूले 1, 2 और 3, ये इलेक्ट्रिकल पावर के आपको फॉर्मूले मिल गए। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में तो आप पढ़ते नहीं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली देखो सिंपल सी चीज है कि आपके पास एक बल्ब है, अब जितना ज्यादा टाइम के लिए आप उस बल्ब को जलाओगे तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो बल्ब यूज करेगा, या कोई भी अप्लायंस ले लीजिए, आप रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, या टीवी चला रहे हो, या फिर फैन चला रहे हो, या फिर आप कोई एसी चला रहे हो, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप जितने लंबे टाइम तक यूज करोगे वो उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे, क्योंकि उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करना पड़ेगा उसके लिए, उसको उतना वर्क करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज्यादा कंज्यूम होगी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर रेटिंग की। पावर रेटिंग देखिए पावर टाइम पे डिपेंड नहीं करती, पावर ये बताता है कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, हर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो रहा है। अब वो चाहे 10 सेकंड तक ही हुआ, चाहे वो 1 घंटे तक हुआ, वो हर सेकंड की बात कर रहा है, कभी कभी 1 आवर की भी बात कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि यूनिट, SI यूनिट देख सकते हैं हम, SI यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जो एनर्जी की यूनिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होगी जूल, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर की यूनिट आपको ऑलरेडी पता है, पावर की यूनिट भी जूल पर सेकंड, जिसको आप क्या कहते हो, वॉट, ध्यान रखिए दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड भी आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, इसको हम क्या कहेंगे, वॉट कहते हैं, जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वॉट, ये आप लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हो। तो यूनिट तो वही रहेगी पावर की और एनर्जी की, बस यहां पे टाइप ऑफ एनर्जी डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस इलेक्ट्रिकल टर्म जुड़ा हुआ है, बाकी यूनिट्स तो उनकी वही रहेंगी। अब हम किस चीज की बात कर रहे थे, पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर रेटिंग होती क्या है। आपने देखा होगा आप कोई भी अप्लायंस खरीदते हो, चाहे आप छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़ा कोई भी अप्लायंस खरीदते हो, उसमें कुछ लिखा होता है, जैसे बल्ब भी खरीदते हो आप तो उनमें कुछ लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल बल्ब में जैसे लिखा होता है कि 100 वॉट, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 100 वॉट और 220 वोल्ट, सपोज किसी अप्लायंस में इस तरीके से लिखा होता है 100 वॉट 220 वोल्ट, या 20 वॉट 20W एंड 220 वोल्ट, इस तरीके से कुछ लिखा होता है, ये होती है उसकी रेटिंग। अब वॉट तो आप समझ गए, वॉट किसकी रेटिंग है, पावर की, और दूसरी रेटिंग किस चीज के लिए होती है, वोल्ट, वोल्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कहोगे क्या मतलब है इस रेटिंग का, मींस पावर तो ठीक है और वोल्ट ये भी ठीक है कि उस पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या और पावर क्या अप्लायंस पे डिपेंड करेगा। देखिए पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा, वी आई आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, तो आप ये देख रहे हो कि आई और वी पे भी तो डिपेंड कर रहे हैं, मतलब अप्लायंस मैंने बाजार से खरीदा उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी कितनी सप्लाई करूं वो तो मुझ पर डिपेंडेंट है ना, मेरे घर पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी जिस पावर की या जिस वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आती होगी मैं वही तो सप्लाई करूंगा, तो फिर वो अप्लायंस पे ये लिखा क्यों होता है, ये इसलिए लिखा होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इसमें, ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये जो रेटिंग होती है इससे आपको ये पता चलता है, क्योंकि देखिए यहां पे देखिए फिर से देख लीजिए, पावर वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे करंट की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि करंट और वोल्टेज ऑब्वियसली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो पावर वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है या फिर करंट पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे करंट दिया नहीं हुआ तो हम ये वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं फिलहाल। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, वी स्क्वायर बाय पी, क्योंकि
उस बल्ब में ये करंट, ये रेटिंग दे रखी है, तो उस बल्ब की आप क्या पता कर सकते हो, रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। सपोज यहां पे लिखा 220 वाट या 220 वोल्ट एंड 20 वाट, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है किसी भी चीज के लिए, किसी भी अप्लायंस के लिए, वो फिक्स रहेगा किसी गिवन टेम्परेचर पे। अगर रेजिस्टेंस फिक्स है तो हमको एक चीज पता चल जाएगी पावर रेटिंग से, क्या, उसका रेजिस्टेंस। अब क्योंकि आपके घर पे जो पावर आ रही है या आप जिस पावर को यूज कर रहे हो फ्लक्चुएट हो सकती है, भाई मैंने एक मिक्सर यूज किया या मैंने एक फैन लगाया है, फैन चलाया है, तो भाई पावर कम आ रही है घर पे, मान लेते हैं अभी पावर कम आ रही है, तो पावर और जो पावर और वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो तो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो फिर इसका क्या मीनिंग है, इसका यही मीनिंग है कि अगर आपके घर पे 220 वॉट या 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो जो अप्लायंस है वो 20 वॉट पावर यूज करेगा, 20 वॉट पावर खर्च करेगा। उसी तरीके से जैसे 220 वोल्ट 100 वॉट है, तो मतलब 220 वोल्ट मतलब ये वोल्ट और वॉट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसको आप कह सकते हो, और पावर का रिलेशन है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वोल्टेज अगर 220 वोल्ट है तो वो अप्लायंस 100 वॉट पावर यूज करेगा। लेकिन अगर 220 वोल्ट नहीं आई तो, क्योंकि वो तो कम ज्यादा हो सकती है ना, तो अगर 220 वोल्ट नहीं आए तो फिर इसका क्या यूज है, तो इसका यही यूज है कि अगर 220 आई तो, क्योंकि 100 वॉट सप्लाई करेगा, तो यहां से मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा, और रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिए, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और एक बार मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, और अगर मैं वोल्टेज चेंज करता हूं, तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मैं, यहां पे देख सकते हो आप कि पावर जो है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मान लेते हैं अगर वो हाफ कर देते हो आप वोल्टेज को, 220 से 110 कर लोगे, तो वी का स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर, पावर कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि वो 20 वॉट कर रहा था तो 5 ही करेगा, 10 नहीं करेगा, ध्यान रखिए। तो वोल्टेज चेंज करने पे पावर भी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये जो रेटिंग होती है, रेटिंग क्यों दी जाती है, रेटिंग इसीलिए दी जाती है कि आपको रिलेशनशिप पता चले कि हाँ इतने पर्टिकुलर वोल्टेज पे इतना ये एनर्जी, इतना ये पावर कंज्यूम करेगा, तो अगर मैं वोल्टेज चेंज करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग पावर भी अलग कंज्यूम करेगा। अगर मैं वोल्टेज डबल कर देता हूं तो पावर डबल नहीं हो जाएगी, वी का स्क्वायर, ध्यान रखिए वी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, वोल्टेज हाफ करता हूं तो पावर 1/4 हो जाएगी। तो खैर ये चीज आप याद नहीं भी रखोगे तो पहले आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, और दूसरे वोल्टेज के लिए पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, रेजिस्टेंस एक बार मिल गया वो तो फिक्स रहेगा, और दूसरी किसी और वोल्टेज के लिए फिर पावर कैलकुलेट कर सकते हो, या किसी और पावर के लिए वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मुझे अगर इतनी पावर चाहिए, सपोज मुझे 20 वॉट नहीं चाहिए, मुझे 10 वॉट ही चाहिए, तो 10 वॉट पावर के लिए, या मुझे 5 वॉट ही चाहिए, 5 वॉट पावर के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए होगी अगर ये 220 वोल्ट पे 20 वॉट हमें देता है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि पावर रेटिंग का यूज क्या होता है। पावर रेटिंग से हम वोल्टेज और पावर के बीच का रिलेशन पता कर लेते हैं कि पावर रेटिंग इतनी है, वहां से रेजिस्टेंस पता चल गया, और डिफरेंट वोल्टेज के लिए डिफरेंट पावर्स आप पता कर सकते हो, या फिर आप ये पता कर सकते हो कि अगर मुझे इतनी पावर चाहिए तो मुझे कितनी वोल्टेज चाहिए, अगर पावर रेटिंग उसकी ये है। तो पावर रेटिंग सिर्फ आपको रिलेशनशिप बताता है, क्योंकि रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, रियल लाइफ में मतलब एक्चुअल में आप उस बल्ब को यूज कर रहे हो तो जरूरी थोड़ा ना कि आपके घर पर 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज है, वो अप्लायंस पे थोड़ा ना डिपेंड करता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर पे आ रही है, तो इसका आप ध्यान रखोगे। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है आपके पास, दैट इज डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए काफी अच्छे अच्छे आपके पास आज टॉपिक्स आ रहे हैं। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन, घर पे आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, फिर 20 वॉट का जो बल्ब होता है, 20 वॉट का मतलब समझते हो ना, 20 जूल पर सेकंड, चलो मान लेते हैं 20 वॉट का नहीं भी, अब एक छोटा सा बल्ब होता है आपके पास, पहले 100 वॉट के बल्ब आते थे, 200 के आते थे, पहले काफी ज्यादा वो पावर कंज्यूम करते थे, इसीलिए उनको हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि पावर का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर सेकंड में बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं है, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा उससे। तो हमने क्या किया, हमने उसके बाद CFL यूज किया, जो कम पावर कंज्यूम करते थे, और अब तो LED बल्ब यूज करते थे, तो अब आप LED बल्ब यूज करते थे और कम उनकी पावर होती है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि ये 7 वॉट, 5 वॉट, 9 वॉट इतनी कम पावर कंज्यूम करते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, पावर कम कंज्यूम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो भी कम आएगा, क्योंकि पावर कम कंज्यूम कर रहे हैं। पावर का मतलब क्या हुआ, जूल पर सेकंड या एनर्जी
कंज्यूम पर सेकंड, तो हर सेकंड में कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो 10 घंटे में भी पहले से कम ही करेंगे, करेक्ट। अब देखिए, आप जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो उसका बिल आता है। बिल किस चीज पर डिपेंड करता है? बिल पावर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पावर तो हर सेकंड का है। बिल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। अब कितनी एनर्जी कंज्यूम की, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। अब जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो ना घर पे, उसके लिए ना जूल बहुत ही छोटी यूनिट हो जाती है। अब आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा बल्ब, यानी कि आप एक इवन आप कोई एलईडी बल्ब भी जला रहे हो, सपोज 7 वाट का बल्ब जला रहे हो आप, 7 वाट का मतलब क्या हुआ कि वो एक सेकंड में 7 जूल एनर्जी, 7 जूल पर सेकंड, 7 वाट का मतलब वही हुआ ना, हर सेकंड में वो 7 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब 7 जूल अगर एक सेकंड में कर रहा है तो 7 × 60, एक मिनट में कितना कर लेगा, दैट इज 7 × 60, 420 जूल। ये हम एक मिनट की बात कर रहे हैं, तो एक घंटे में कितना करेगा, तो दैट इज 420 × 60। अब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, करेक्ट। अब एक घंटे में कर रहा है, 10 घंटे में कितना कर लेगा, तो ये हजारों में चली जाएगी क्वांटिटी। अब इसकी वजह से एक घंटे, 10 घंटे, ये तो छोटे से बल्ब की बात, एक महीने में बिल आपका आता है एक एक महीने में, एक महीने में वो लगा लो आप हर दिन उसको 10 घंटे जला रहे हो, सिर्फ एक बल्ब की मैं बात कर रहा हूं, तो एक महीने में × 30 कर दीजिए तो वो लाखों में नंबर आएगा। जूल जो है वो इतना जूल एनर्जी आप यूज कर रहे हो, तो बिल में इसको लिख पाना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट सा होता है कि इतनी ज्यादा एनर्जी, मैं तो एक बल्ब की बता रहा हूं। अब उसके अलावा आप बल्ब की, जबकि कितनी कम एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके अलावा आप रेफ्रिजरेटर चलाते हो, टीवी चलाते हो, वॉशिंग मशीन चलाते हो, एसी चलाते हो, उन सब का जोड़ दीजिए तो करोड़ों में चला जाएगा। अब करोड़ों में इतना सा आपका बिल की स्लिप आती है, आप करोड़ों में यूनिट लिखी होगी कि इतनी जूल आपने एनर्जी कंज्यूम की, तो पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी, है ना, और लिखने वाले को लिखने में भी दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, जो कमर्शियल यूनिट होती है, यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन हम जो करते हैं एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसको हम जूल में नहीं मेजर करते हैं, तो फिर किस में मेजर करते हैं, उसके लिए अदर यूनिट है, दैट इज नोन एज, ध्यान रखिए, उसको हम कहते हैं किलोवाट आर, किलोवाट आर, के डब्ल्यू एच से भी हम डिनोट करते हैं, तो के डब्ल्यू एच, किलोवाट आर, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब आप कहोगे किलोवाट आर कितना होता है, मुझे तो जूल पता है, तो जूल और किलोवाट आर के बीच में हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, तो वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो इसका मतलब किलोवाट आर एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप पावर इंटू टाइम, यानी कि पावर, किलोवाट किसकी यूनिट हुई, पावर की, और टाइम आर, आर किसकी यूनिट हुई, टाइम की, तो यानी कि पावर इंटू टाइम की फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं। और मैंने क्या बताया, जो एनर्जी की हम बात करें, मैंने क्या बोला, के किलोवाट आर में हम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जूल के टर्म में जब हम जूल यूज करते हैं तो किलोवाट की जगह हम लेते हैं वाट, और आर की जगह लेते हैं हम सेकंड, तो वाट सेकंड जूल को भी आप कह सकते हो। तो इसका मतलब अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट्स में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा फंडा है, देखो सिंपल सा लॉजिक है इसका, कि 1 kWh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोवाट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट यानी कि वाट में, अगर मुझे जूल में चाहिए तो किलोवाट दैट इज 10^3 इंटू आर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिए आर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको सेकंड में, क्योंकि एसआई यूनिट टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो एक घंटे में 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, तो ये कितना हो गया, 3600 इंटू 10^3, आप कह सकते हो 3.6 इंटू 123 10^6 जूल। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10^6 जूल। ऐसे में अब आप सोच सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है 10^6, समझ रहे हो आप, 10^6 यानी कि लाखों में, ये होता है 36 लाख, तो 36 लाख ये क्वांटिटी है, 36 लाख जूल होता है 1 kWh। तो आपके घर पे जो यूनिट आती है ना, आप बोलते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट, तो ये 500 यूनिट क्या होता है,
वन यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर। तो आपका जो बिल आता है अगर 200 यूनिट आया, इसका मतलब 200 किलोवाट आवर आया। अगर उसको जूल में कन्वर्ट करो तो 200 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर 6 आप सोच सकते हो करोड़ों में आ रहा है। मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसे में अगर जूल में आप बिल को लिखते, एनर्जी को लिखते, तो करोड़ों में आता। तो इसी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन जो होता है इसको हम किस में लिखते हैं, किलोवाट आवर में लिखते हैं। इसके लिए हम अलग यूनिट यूज करते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10 रेज़ पावर 6 जूल। तो हम जूल में नहीं लिखते हैं क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। और आपको पता है हम किसी भी चीज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे लिए सबसे सही चीज क्या होती है कि हम कोई कन्वीनियंट यूनिट यूज करें। अब यूनिट तो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो कोई कन्वीनियंट यूनिट यूज करते हैं, वो कौन सी है, 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर ध्यान रखना इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ही यूनिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। और अब चलते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। बहुत आसान है इसको समझना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब हीटिंग इफेक्ट तो आपने बहुत जगह देखा होगा, स्पेशली हीटर्स में तो देखा ही होगा। अब हीटर्स में तो आप कहते हो कि भाई हीटर्स तो होता ही इसके लिए कि हमको हीट प्रोवाइड करे, तो वहां पे तो समझ में आता है। लेकिन बाकी चीजों में भी आता है, आपने देखा होगा, इवन आपके सेलफोन्स, आपका टीवी या फिर आपका रेफ्रिजरेटर, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आप उसको यूज करते हो तो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। वही हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि इस हीटिंग इफेक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अगर ये हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट यानी कि जो हीट की फॉर्म में एनर्जी है वो लूज कर रहा है कोई भी अप्लायंस, और वो हीट की फॉर्म में कितनी एनर्जी लूज कर रहा है, कितनी एनर्जी निकल रही है हीट की फॉर्म में, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान रखिए, जो एनर्जी होगी हीटिंग इफेक्ट, इसको आप एच से भी डिनोट कर सकते हो, कितना, दैट इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हो, दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड। आप ये कह सकते हो वी आई टी या फिर आई आर, आई आर आई स्क्वायर आर टी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर टी। तो ध्यान रखना, क्योंकि देखिए होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। अब रेजिस्टेंस की वजह से क्यों होता है, रेजिस्टेंस की वजह से इसलिए होता है क्योंकि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। अब करंट फ्लो हो रही है, करंट को फ्लो होने से कौन रोकते हैं, जो मेटल के अंदर आयंस वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन आयन से टकराते हैं। अब इनसे टकराते जाएंगे, अब ऐसा तो नहीं है एक इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, एक या दो या चार इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक साथ जाएंगे, एक ही पॉइंट पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब वो टकराएंगे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, बार बार टकराते रहेंगे, अब एक सेकंड में कई बार टकरा जाते हो, इतने इलेक्ट्रॉन्स टकराते रहेंगे किसकी वजह से, ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होगी, वहां पर टकरा टकरा के वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर लेंगे। और हीट अगर वो प्रोड्यूस करेंगे तो हीट किन दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और दूसरा करंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली करंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या ज्यादा है, करंट ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हीट देखो, हीट भी किस चीज की यूनिट है, हीट भी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितनी एनर्जी लॉस हुई दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ध्यान रखना। तो हीट कितनी लॉस हुई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना, आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यानी कि रेजिस्टेंस, और तीसरा ऑब्वियसली हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली जितना ज्यादा टाइम के लिए आप करंट फ्लो कर रहे होंगे उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आई स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के, यानी कि करंट को आप डबल कर दो तो हीटिंग इफेक्ट जो होगा वो 4 times हो जाएगा, करंट को ट्रिपल कर दो तो 3 का स्क्वायर यानी 9 times हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, हीटिंग इफेक्ट दो चीजों पे डिपेंड करेगा, आई पे और आर पे, और ऑब्वियसली तीसरी चीज कौन सी होगी, टाइम पे। तो हीटिंग इफेक्ट, हीट की फॉर्म में जितनी एनर्जी लॉस हुई तो वो कितना होगा, दैट इज हीट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टी के यानी कि टाइम के। तो ये तो कॉमन सेंस है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। और वहां से आपको फॉर्मूला क्या मिलता है, हीट जो होगी आई स्क्वायर आर टी, और इसकी यूनिट अगर मैं पूछूं तो वो भी क्या होगी, जूल। ऐसा यूनिट क्या होगी हीट की भी, जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई, जूल। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशली रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जहां पे आपको करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस इनके बीच में रिलेशनशिप पता करनी होती है। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।